आप एक ही तरह का नाश्ता बना के और खा के बोर हो गए हैं, तो आप इस तरीके का नया नाश्ता ट्राई कीजिए। आज मैं आपके लिए पोहे, आलू और कुछ सब्जियों को मिला के मैंने इस नाश्ते को बनाया है, जो नाश्ता खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और फटाफट तुरंत बन जाता है। इस नाश्ते को अगर हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे तो ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप इस नाश्ते को एक बार बना के ट्राई जरूर कीजिए, ये आपको बहुत पसंद आएगा। ये कितना क्रिस्पी बना है आप देख सकते हैं, तो उम्मीद है आपको ये नाश्ता जरूर पसंद आएगा। आप देख सकते हैं इसकी परत भी ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी है, ये देखिए, और अंदर से एकदम सॉफ्ट है। आप एक बार इस नाश्ते को बना के ट्राई करेंगे, आपको ये नाश्ता बहुत पसंद आएगा। मीठी चटनी के साथ या फिर हरी चटनी के साथ इस तरीके से सर्व कर सकते हैं। अगर घर में कोई मेहमान आने वाले हों तो तुरंत फटाफट आप इस नाश्ते को बना के सर्व कर सकते हैं। ये नाश्ता बहुत पसंद आएगा सभी को। तो चलिए हम इस टेस्टी टेस्टी क्रिस्पी नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। आज हम कुछ नया नाश्ता बनाएंगे, पोहे से बनाएंगे हम ये नाश्ता। ये 1 कप मैंने पोहा लिया है, इसे मैंने 1 घंटे पहले पानी से धो के भिगो के रख दिया था। सॉफ्ट हो गए हैं, अच्छे से भीग गए हैं, एकदम मैश हो रहे हैं। आपको अगर पोहे से नाश्ता बनाना हो तो पोहे को कम से कम आधे से 1 घंटे पहले भिगो दे, जिससे ये एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं और अच्छे से मैश हो जाते हैं। एक बाउल लेंगे और उसमें ये पोहे निकाल लेंगे, ये सारे पोहे इसमें निकाल लेंगे। ये एक उबला हुआ आलू लिया है मैंने, इसे हम इस तरीके की बारीक कीसनी से कीस लेंगे। आलू को हम कीस के यूज करेंगे इस नाश्ते के लिए, मैश करके नहीं करेंगे। इस नाश्ते में गुठलियां नहीं रखनी है, इसलिए हम आलू को कीस लेंगे। ये देखिए मैंने आलू को ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ सब्जियां। ये मैंने थोड़ी सी गाजर ली है ग्रेट की हुई, ये थोड़ी सी शिमला मिर्च है बारीक कटी हुई, मैंने थोड़े से प्याज लिए हैं बारीक कटे हुए, थोड़ी सी हरी धनिया बारीक कटी हुई। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और ये 1 चम्मच जीरा पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर है ये, और ये आधा चम्मच चाट मसाला और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, और ये 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। मैंने इसके लिए कॉर्नफ्लोर लिया है, आप चाहे तो बेसन भी ले सकते हैं इस नाश्ते को बनाने के लिए। अब हम सारी चीजों को मिक्स कर लेते हैं। ये मिश्रण थोड़ा सा सूखा लग रहा है तो इसमें 1 चम्मच पानी डालेंगे और इसे थोड़ा सा और सॉफ्ट कर लेंगे। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। ये एक बाउल लेंगे, 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ मैं, इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च चुटकी भर और थोड़ा सा नमक, और अब इसका घोल बना लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे घोल लेंगे। आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर की जगह मैदा भी ले सकते हैं, मैदे का भी घोल बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से पतला घोल बनाया है मैंने, बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं किया है। अब हम इस मिश्रण से इस तरीके से छोटी सी लोई तोड़ेंगे। मैं इसे इस तरीके का शेप दे रही हूँ। इस तरीके से हम सारे नाश्ते को बना लेंगे। ये देखिए मैंने सारे मिश्रण से नाश्ते को बना लिया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। ये ब्रेड क्रम्स लिए हैं मैंने, ये मार्केट में मिल जाते हैं या फिर हम इसे घर में भी बना सकते हैं। ब्रेड को मैंने मिक्सी में पीस लिया है और थोड़ा सा इसे रोस्ट करके फ्रिज में स्टोर करके रख दिया है। फिर इस तरीके से हम जब भी नाश्ता बनाते हैं तो इसका हम यूज कर सकते हैं। तो बस उसी तरीके से मैंने इस ब्रेड क्रम्स को बनाया है। अब लेंगे हम ये कॉर्नफ्लोर का घोल जो हमने बना के रखा था। अब हमने ये जो नाश्ता बनाया है इसमें से 1 पीस लेंगे और इसको इस घोल में डुबाएंगे। और इसे निकाल के ब्रेड क्रम्स में
लपेट लेंगे इस तरीके से। इसके ऊपर से ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे हम। ये देखिए मैंने इस तरीके से पूरे ऊपर से इसके ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर दी है। अब इसी तरीके से हम पूरे नाश्ते को ब्रेड क्रम्स से कोटिंग कर लेते हैं। सारे नाश्ते को इस तरीके से ब्रेड की कोटिंग करके तैयार कर लिया है। मेरे पास पहले से ही ब्रेड क्रम्स रखे हुए थे तो मैंने उस ब्रेड क्रम्स का यूज करके इस नाश्ते को बनाया है। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स ना हो तो आप तुरंत ही 2 से 3 ब्रेड को मिक्सी में पीस के उसका ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं और उसका यूज करके आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो चलिए हमारा ये नाश्ता बन गया है। अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए गैस की तरफ। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इस नाश्ते को इसमें डाल के फ्राई करेंगे। इस नाश्ते को हमें एकदम गर्म तेल में ही फ्राई करना है। पोहे और आलू से इस तरीके का आप नया नाश्ता एक बार बना के ट्राई कीजिए, आपको भी ये नाश्ता बहुत पसंद आएगा। और इस नाश्ते को गर्मा गर्म किसी भी चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये खाने में। अब इसे हम उलट पलट के दोनों तरफ से फ्राई करेंगे। ब्रेड और पोहे से बना ये बिल्कुल नया नाश्ता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके बताइए ये नाश्ता आपको कैसा लगा। तो चलिए अब हम इसे दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक उलट पुलट के फ्राई कर लेते हैं। और इसे बनाने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है, सारा सामान घर में ही मिल जाता है। फटाफट हम इस नाश्ते को बना के सर्व कर सकते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बने हैं ये। अब ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अच्छे से अंदर तक फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और अब बाकी बचे नाश्ते को भी फ्राई कर लेते हैं। अब इसे भी हम फ्राई करके निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने पूरे नाश्ते को फ्राई करके निकाल लिया है। इस नाश्ते को मैंने आलू और पोहे के साथ बनाया है। ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बना है, आप एक बार बना के ट्राई जरूर कीजिए। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए हम फिर मिलेंगे इसी तरह की अच्छी और नई रेसिपी के साथ।